दुख की परिभाषा क्या है? अरे आप लोगों के जीवन में दुख है ही नहीं, आप कहते हैं महाराज जी हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा ना होना क्या ये दुख है? पैसा नहीं है तो काम करो, पैसा आ जाएगा। पैसा नहीं है ये कोई बात नहीं है, महाराज जी हमारा काम नहीं चलता, दुकान नहीं चलती, औरों की चल रही है, उन्होंने प्लानिंग की है, काम करने का ढंग उन्हें पता है तो उनकी चल रही है, तुम्हें ढंग पता नहीं है, तुम अपना ढंग बदलो, तुम अपना कार्य करने का काम करने का तरीका बदलो, तरीके भी यूनिक होने चाहिए। पैसे नहीं है महाराज जी काम नहीं चलता, ये कोई दुख नहीं है, ये आपकी लापरवाही है। लापरवाही को आप दुख मान दे, महाराज जी हमारे घर में बड़ा काम ही नहीं चल रहा, हमारे घर में लगता कोई भूत प्रेत की बाधा है, कोई बाधा वाधा नहीं है तुम्हारे घर में, तुम अकर्मण्य हो इसीलिए नहीं हो रहा, तुम तरीके से काम नहीं। टाटा बड़ला अडानी अंबानी तो कभी नहीं कहते हमारा काम नहीं चल रहा, उनका तो खूब चल रहा, तुम ही गाना गाते हो हमारा काम नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे हैं। पैसे कमाने के तरीके पता नहीं है तुम्हें, काम करने का ढंग नहीं पता, दुकान कैसे चलाई जाती है उसका गणित आपको नहीं पता, बिजनेस करने तो चले पर बिजनेस का आइडिया नहीं है, इसलिए आइडिया ना होने से, समझ ना होने से, अनुभव ना होने से कई बार आप नुकसान हो जाता है, और आप कहते हैं हमारे तो भाग्य में सुख ही नहीं है, हमसे तो भगवान नाराज है। नहीं, भगवान किसी से नाराज नहीं होते, किसी से खफा नहीं है भगवान, तुम अपने तरीके बदलो। पुराने जमाने पुराने ढंग से दुकानें चलाओगे तो कहां चलेंगी? आज जान रहे हैं कितना फास्ट संसार हो गया है, तरीके से काम, दुकान के संग संग आपको ऑनलाइन भी रखना पड़ता है कुछ चीजें, जमाने की मांग है, जमाने की मांग, जमाने के हिसाब से नहीं चलेंगे चल ही नहीं पाएंगे। हर साल दो साल में कुछ नई चीज आ जाती है बाजार में, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है, उस रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। अब आप नहीं जी हम नहीं बदलेंगे अपना रूल, ना बदलो तो जाओ आउट। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, ज्वलंत। हमारे देश में आज से 10 साल पहले 20 साल पहले सबके पास नोकिया फोन था, नोकिया। आज कितनों के पास नोकिया है? मार्केट से आउट हो गया, खत्म, सफाया, 1% 2% रह गया हो तो नहीं कह सकते। ये नोकिया जब एंड्रॉइड मोबाइल आने लगे ना, मेरी माँ टच मोबाइल आने लगे, स्क्रीन टच मोबाइल जब आने लगे तो उन सॉफ्टवेयर की कंपनियों ने, उन लोगों ने कहा नोकिया से तुम्हारी सेल अच्छी है, तुम्हारा नाम अच्छा है, तुम ये टच मोबाइल तुम ले लो और ये सिस्टम हमसे तुम ले लो, ये सॉफ्टवेयर हमसे आप खरीद लो, ये टेक्निक, ये टेक्नोलॉजी आप हमसे ले लो। नोकिया ने कहा क्या जरूरत है, हमारा तो यूं ही चल रहा। बस उस समय संसार, उस समय देश बदल रहा था, उस बदलते हुए देश को नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, उस बदलाव को स्वीकार नहीं किया, हाँ या ना? जब उसने अपने मोबाइल पर कोई बदलाव ना किया, इस घमंड में रहा कि हमारी तो यूं ही सेलिंग है, और जब ऐसे एटीट्यूड में रह गया कि हमें क्या जरूरत है बदलाव की, और बदला नहीं, तो आज देखिए एंड्रॉइड मोबाइल हर हाथ में है, नोकिया 1% 2% रह गया, क्योंकि उसने समय के साथ अपने को बदला नहीं। आप अब गाना, अब नोकिया वाला रोए, अरे हम तो बड़े दुखी हैं, हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है, तुम्हारा भी चल रहा था, जैसे चलता है वैसे तुमने चलाया ही नहीं, इसलिए आप भगवान के नाम पर रोना बंद करिए। पहले तो
हम दुखी हैं, हमारे ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है, पहले तो ये गाने डिलीट करिए अपनी डिक्शनरी से और अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को जमाने के हिसाब से सेट कीजिए। और जो जमाने की चाह है, उस समय एंड्रॉइड मोबाइल की डिमांड थी, दूसरी कंपनियों ने लॉन्च कर दिया, नोकिया देखता का देखता रह गया, हाथ देखते देखते पूरी दुनिया में छा गया एंड्रॉइड मोबाइल, हाँ या ना। इसलिए क्या चाहिए जीवन में? परिवर्तन। किसके हिसाब से? समय के हिसाब से। नहीं करेंगे तो परिणाम नोकिया जैसा। तो आप इसे दुख मान रहे थे, जबकि ये दुख नहीं है, ये तुम्हारी समझ की, ये तुम्हारी नीतियों की कमी से होता है। वो राजा हार जाता है युद्ध जिस राजा की नीतियां अच्छी नहीं होती, हाँ या ना। युद्ध कई बार रणनीति से जीते जाते हैं, कूटनीति, राजनीति, रणनीति, अर्थनीति, ये सब नीतियां हैं, हाँ या ना। इसलिए आपको कौन सी नीति, चाणक्य को पकड़ लिया सिकंदर ने, इतिहास की बातें सुना रहा हूं, सुनो, चाणक्य को पकड़ लिया सिकंदर ने, तुम बड़े ज्ञानी पंडित हो, बड़ा दिमाग लगाते हो, मार दूंगा तुम्हें, पर तुम्हें सजा मैं ऐसी नहीं दूंगा, दर्दनाक दूंगा। एक लोहे का नंदी बनाया बैल, इतिहास के पन्नों में लिखा है, पढ़ लेना कभी फुर्सत मिल जाए व्हाट्सएप फेसबुक से। तो चाणक्य को लोहे का नंदी बनाया सिकंदर ने, राजा जो भी मुगल राजा रहा हो, उस राजा ने बनाया लोहे का नंदी बैल और नीचे लगाई आग और चाणक्य को कहा इसमें घुस जाओ, जिंदा जलाना चाहता था वो। और चार बड़े बड़े वैद्य खड़े कर लिए देखने के लिए कि ये मर गया कि नहीं। चाणक्य से पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले ये हमारे गंगा की माटी है, हम भारतीय हैं, एक बार हम अपनी माटी को अपने शरीर पर लेपना चाहते हैं, पूरे शरीर पर वो बालू, वो माटी, उसने चाणक्य जी ने पूरे शरीर पर बालू का लेप कर लिया, पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक बालू से, उस लेप से, माटी के लेप से भर लिया, घुस गए नंदी के अंदर, आग लगी, पूरा लाल हो गया, घंटों तक जलती रही आग, अब तो लगा कि मर ही गया होगा, ढक्कन खोला निकाला, चाणक्य बिल्कुल अचेत थे, वैद्यों से दिखवाया, नाड़ी पकड़ के देखो जिंदा है कि मर गया, वैद्यों ने कहा नहीं जी मर गया, सारे वैद्यों ने चेक किया, नाड़ी बंद, मर गया, कोई संभावना नहीं। चाणक्य के शिष्यों ने कहा मर ही गए हैं गुरु जी, तो अंतिम संस्कार हमें कर लेने दो, चेले लेकर चले गए, राजा को लगा मर गए, पर चाणक्य 6 घंटे बाद उठ के बैठ गए, लोगों ने कहा रे आप जिंदा है कैसे? बोले मैंने चकमा दे दिया उसे। कैसे चकमा दिया? बोले जो मैंने माटी लगाई थी वो माटी सामान्य नहीं थी, वो माटी ऐसी थी कि वो आग की ताप को भी सह सकती है, और वो जैसे आज भी ऐसे कुछ केमिकल होते हैं, आज भी ऐसा आप यदि हाथ में केमिकल लगा के हाथ आग में डाल दो तो कुछ देर के लिए आपका हाथ जलेगा नहीं, क्योंकि वो केमिकल जो है वो आपकी रक्षा करता रहेगा। ऐसे चीजें डॉक्टरों के पास, वैज्ञानिकों के पास, ऐसे इस प्रकार के कुछ केमिकल होते हैं, हाँ या ना। तो ये बात चाणक्य को पता थी कि यहाँ की ये माटी में ये गुण है कि यदि इसे लगा के कोई आग में भी कूद जाए तो। चाणक्य ने फिर बोले आपकी तो नवज भी नहीं चल रही थी। बोले मैंने प्राणायाम साध लिया था, योगी भी तो थे ना वो, प्राणायाम साध लिया। चाणक्य कहते हैं भगवान मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूं और आपने मुझे बचाया ही नहीं ना। चाणक्य ने दोष भगवान को नहीं दिया, चाणक्य के पास बुद्धि थी। और भगवान ने आपको क्या दे रखी है? जब आपकी गाड़ी कोई ड्राइवर चलाता है तो ड्राइवर के पास एक्सीलेटर भी होता है और ब्रेक भी होता है,
कहां ब्रेक दबाना है, कहां एक्सीलेटर दबाना है। उसी प्रकार आप में से कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, तो जो भी हम अच्छा या बुरा करते हैं वो भगवान की मर्जी है, तो उसमें दंड भगवान को मिलना चाहिए, हमें क्यों नहीं? भगवान ने हमें और आपको बुद्धि देकर स्वतंत्र किया है। हमारे पास क्या है? जोर से, बुद्धि है। हमारे को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब सही और गलत का आपको और हमें ज्ञान है तो आप सही निर्णय क्यों नहीं लेते? चाहे आपकी अर्थ नीति से जुड़े हो, चाहे आपके परिवार से जुड़े निर्णय हो, आप यदि सही निर्णय लेते हुए अपनी गृहस्थी चलाएं, सही निर्णय लेते हुए अपना व्यापार चलाएं, सही निर्णय लेते हुए खान पान का ख्याल रखें, तो आपके सही खान पान से शरीर स्वस्थ होगा, रिश्तों के सही निर्णय लेने से गृहस्थी सही होगी, और व्यापार संबंधी सही निर्णय लेने से व्यापार सही होगा, जिंदगी ठीक ठीक गुजर जाएगी। आप गलत निर्णय खुद लेते हैं, गलतियां खुद करते हैं, और बाद में ताने भगवान को मारते हैं कि भगवान तुमने हमें दुख दे दिया। भगवान ने किसी को दुख नहीं दिया। क्या राम जी ने कहा था रावण से कि जाओ तुम सीता को चुरा लो? बोलो बोलो, क्या राम जी ने रावण से कहा था कि तुम सीता को चुराओ? अब चुराया है तो सर्वनाश भी तुम्हारा ही होगा। धैर्य रखो। सीता माँ को चुराने में रावण को बड़ा मजा आया। मैंने चुरा ली सीता, कौन रोकेगा, मैं रावण हूं, मजा आया ना। लेकिन अभी जब परिणाम मिलेगा ना, खून के आंसू रोएगा, जब सामने पूरा वंश नष्ट हो गया, 1,00,000 बेटे मर गए युद्ध में, वो बेटे जो निर्दोष थे, 1,25,00,000 नाती मर गए, वो नाती जो निर्दोष थे, गलती किसकी थी? बोलो। अब राम जी ने कहा था क्या कि तुम सीता गलती करो क्यों? इसलिए आप में से किसी के जीवन में कोई दुख नहीं है, आपकी गलत रणनीति आपको दुख देती है, आपके जीवन के गलत डिसीजन आपको दुखी करते हैं। तुमने अपनी पत्नी को गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया, पत्नी मायके छोड़कर, ससुराल छोड़कर मायके चली गई, मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मारा, अब मैं लौट कर नहीं आऊंगी। अब तुम्हें रो रहे हो, गुरु जी हमने गलती की, पत्नी को मार दिया, क्षमा मांगी पर वो सुन नहीं रही है, बात नहीं हो रही है। तुमने अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं किया? जिस इंसान का खुद पर कंट्रोल ना हो वो इंसान कैसा? खुद पर कंट्रोल कुत्तों का नहीं होता, खुद पर कंट्रोल बंदरों का नहीं होता, खुद पर कंट्रोल जानवरों का नहीं होता, पर आप हर जानवर से, हर पशु से, पक्षी से आप 1,00,000 गुना समझदार हैं। हाँ या ना? आप बुद्धिमान पुरुष हैं, बुद्धिमान स्त्रियां हैं, बोलो हाँ या ना। जब बुद्धिमान हो तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते क्यों नहीं हो? रोते ही क्यों रहते हो तुम? शिकायत ही क्यों करते हो? हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, भगवान ने नहीं दिया, भगवान ने 2 हाथ पांव दिए तो हैं, अडानी अंबानी के भी 2 हाथ पांव हैं, और मेरे भी 2 हाथ पांव हैं, और भिखारी के भी 2 हाथ पांव हैं। भगवान ने सबको एक सा बनाया था, तुम्हारे गुण खराब हो गए, कर्म खराब हो गए, इसमें भगवान का क्या कसूर है? कर्म अच्छा करो, मेहनत करो, नीतियां सही हो तो तुम भी अडानी अंबानी हो जाओ, और नीतियां नहीं है तो भिखारी बने घूमते रहो और गालियां भगवान के देते रहो, ये भगवान तुमने हमारी भिखारी बना दिया। भगवान ने तो इंसान बनाया था साहब, इंसान से तुम भिखारी हो गए। भगवान ने इंसान बनाया था, इंसान से तुम शैतान हो गए। भगवान ने इंसान बनाए थे, इंसान से कोई ध्रुव और प्रहलाद हो गया, इंसान से कोई राम और रावण हो गया। राम भी 2 हाथ पांव वाले थे, रावण भी 2 हाथ पांव वाला था, कृष्ण भी 2 हाथ पांव वाले थे और कंस भी 2 हाथ पांव वाला था। एक के विचार ने कृष्ण बना दिया और एक के विचार ने कंस बना दिया, एक की विचारधारा ने राम बना दिया, एक की विचारधारा ने रावण बना दिया। बात इंसानों की, मेरी माँ आप और हम एक ही हैं, खून आपके भीतर भी उतना ही है लगभग जितना मेरे भीतर है, हाँ या ना? मेरे और आप, मुझ में और आप में क्या अंतर है? मुझ में और स्वामी विवेकानंद जी में क्या अंतर था? सिर्फ शरीर का अंतर था, हाइट का अंतर था,
उनकी हड्डियां ज्यादा थी या मेरी कम है? 206 हड्डियां सबकी होती हैं, उनकी भी इतनी थी और मेरी भी। उतना ही खून उनके भीतर था जितना मेरे और आपके भीतर, किसी का हल्का फुल्का कम ज्यादा। मान लो आप वजन भी कितना ज्यादा कम मानोगे, 70-80 किलो के वो रहे होंगे, 70-80 किलो के हम हैं। अंतर किसका है? शरीर का नहीं है, विचारों का अंतर है। हाँ या ना? आप शरीर से बड़े नहीं हो सकते, आप बड़े हो सकते हैं तो सिर्फ अच्छे विचारों से। इसलिए अच्छे विचारों के साथ, अच्छी नीति के साथ अपना काम करो। यदि सफल होना और रोना ही है तो फिर तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता रोने। हे भगवान, हम बड़े दुखी हैं, रोते रहो। ये हमारी मैयाएं रोती रहती हैं, महाराज हमारी बहू सुनती नहीं है, ये भी कोई दुख है? महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है, ये भी कोई दुख है? ये दुख नहीं है, तुम्हारी लापरवाही। तुमने अपने बेटे को संस्कार क्यों नहीं दिए? सही वक्त पर, सही वक्त पर सही संस्कार दिए होते तो ये सवाल ना होता कि बेटा सुनता नहीं है। संस्कारी बेटा तो आज भी सुनता है, संस्कारी बहू है तो आज भी सुनती है। हर माँ बाप अपनी बेटी और अपने बेटे को संस्कार दें तो ये सवाल खत्म हो जाएगा कि बेटा सुनता नहीं, बहू सुनती नहीं। संस्कार देना छोड़ दिया इसलिए ये सवाल खड़े हो गए। और दोष किसको? हे भगवान, तुमने, भगवान ने कहा था कि तुम इस बहू से विवाह करो, इस लड़की से? भगवान ने कहा था जरा सी बहू के हाथ से एक कप टूट जाए, एक बार दाल में जरा नमक ज्यादा हो जाए तो सास ताने मारती है, यही सिखाया है तेरी माँ ने? और वही बहू जब फिर तुम्हें भर भर के नमक देती है बुढ़ापे में, और बुढ़ापे में जब तंग करती है तो रोती हो महाराज, बहू परेशान करती है। क्यों? शादी होके उसकी आई, नहीं नहीं तुमने भी तो उसे परेशान किया, भगवान ने कहा था कि तुम परेशान करो, अब किया है तो भोगो, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, इसलिए मेरी माँ दोष भगवान को ना दिया करो। ये देखो कि हम कहां गलत हैं, हमारी कहां गलतियां हो रही हैं। भगवान ने दुर्योधन को समझाया था महाभारत के पहले कि भाई मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे, मत कर महाभारत का युद्ध। समझाया था कि नहीं? किस किस को यह बात पता है कि समझाया था? मैया आपको पता है समझाया था? भगवान गए थे समझाने? हाँ या ना? बताओ, समझा था दुर्योधन? बोलो बोलो। नहीं, जैसे भगवान के समझाने से दुर्योधन नहीं समझा तो उसका नाश हो गया, उसी तरह आज बच्चे माँ बाप के समझाने से नहीं समझते, गुरु के समझाने नहीं समझते तो सर्वनाश तो होगा ही। बाद में फिर कहो भगवान ने किया, भगवान ने थोड़ी किया, भगवान ने तो माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में तुम्हें समझाया था, सही रास्ता दिखाया था। ना मानो तो गलती भगवान की कहां? इसलिए हम दुखी हैं ये कोई सवाल नहीं। अच्छा, दुख किसे कहते हैं? अब हनुमान जी से पूछते हैं। जानत हूँ आस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे ना होही दुखारी। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। सुख और दुख केवल भगवान को भूल जाना दुख है, पर आपको भूल जाना दुख नहीं लगता, बहू नहीं सुनती ये दुख लगता, बेटा नहीं सुनता ये दुख मानती हो, पैसा नहीं आ रहा है ये दुख मानते हैं आप लोग, पर भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, हम भगवान को भूल गए ये दुख आप लोग मानते ही नहीं। दुख क्या है? भगवान का भूल जाना ही। हे नाथ, मैं आपको कभी हर स्थिति में भगवान का स्मरण बनाए रखो। बोलो हे नाथ, जोर से, मेरी माँ, मैया, ओ मेरी माँ, ओ झोले वाली मैया, कहाँ जा रही हो मेरी माँ? बैठो जहां हो वहीं बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो,
सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान का स्मरण आप दिन भर करें, ये सबसे बड़ा सुख है। और भगवान को भूल जाएं आप, यही सबसे बड़ा दुख है। तो बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे श्रीमन्नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। ऐसे भगवान जो सत्य चित आनंद स्वरूप हैं, राधा सहित श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं।